खुला, जहां इंदौर विधानसभा क्षेत्र दो के विधायक रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनाने पर दादा दयालु के इंदौरी दीवाने ने आत्मदाह की कोशिश की। आपको बता दें कि आत्मदाह की कोशिश युवा संगठन के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता सुमित हाडिया ने की थी। इंदौर के युवा संगठन के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता सुमित हाडिया ने भाजपा कार्यालय के सामने शरीर पर केरोसिन डालकर आत्महत्या की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि सभी नेताओं के प्रति कार्यकर्ता स्नेह भाव और आदर सम्मान रखते हैं, जिसको लेकर रमेश मेंदोला जी के मंत्री नहीं बनने पर अपना रोष इस माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो कि यह गलत है। रहा सवाल रमेश जी का, तो रमेश मेंदोला मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी विधायकों में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले विधायक है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह मेरे भी चुनाव प्रचारक रह चुके हैं। रहा सवाल मंत्री का, तो इसका निर्णय संगठन के द्वारा लिया जाता है। हो सकता है आगे और अन्य जिम्मेदारी मेंदोला जी को सौंपी जाएगी। देखिए, हर नेता के चाहने वाले बहुत रहते हैं, और जब उन नेताओं को उनकी अपेक्षा रहती है चाहने वालों की कि हमारा नेता बनना चाहिए, और रमेश जी तो वर्षों से काम कर रहे हैं, लगातार कई बार प्रदेश में नहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी वो प्रथम सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं, और मेरे तो खुद चुनाव संचालक भी रहे, तो एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत पार्टी की सेवा भी की है। पर चूंकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ विधायकों को जवाबदारी दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ विधायकों को और जवाबदारी भी दी जाएगी। मुझे लगता है कि हम भी चाहेंगे कि कुछ उनको मिलना चाहिए। बाकी जो कार्यकर्ता था उसके मन में भाव था और उनको पार्टी ने समझा दिया, अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब सब स्थिति सामान्य है।